काफी सारे रिएक्शन वीडियोस बना चुकी हूँ और बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स भी आए जिसके ऊपर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि तला अंजुम के सॉन्ग पे आप रिएक्शन वीडियोस बनाओ। सो हम लोग बना रहे हैं और पहले तो बहुत सारा प्यार सबके लिए कि इतना सारा प्यार आप दे रहे हो, कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे रहे हो उसके लिए। और बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। एक्चुअली इसका नाम ही मुझे समझ में नहीं आया, ये 100 है फिर आगे बार्स लिखा है, तो भाई 100 बार है तो फिर 100 टाइम्स ऐसे कुछ है। एक्चुअली बार का मतलब, बार्स का मतलब तो जेल ऐसे होता है, लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये भाई रैपर जो होते हैं ना, जैसे कलाकार होता है, खड़ा कवि होता है, तो उसको ना हर चीज में ना सुंदरता ही दिखेगी भाई। तो ऐसे ऐसे रहते हैं कुछ लोग, तो अभी देखेंगे कि इन्होंने ये जो लिखा है वो किस टाइप में लिखा है और किस एंगल से उन्होंने ये सारी चीजें ली है। कि हर किसी का एक अपना अलग वे होता है। जैसे चैंक है, चैंक हो गया, चैंक के बारे में जैसे वो अपनी हर एक चीज है अलग, जैसे वर्ड है उसका अलग मीनिंग निकाल के उसको अलग हिस्से से प्रमोट करते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो सॉन्ग है इसमें उन्होंने किसको डिस किया, तो मैं बताऊंगी कि आपको, होप सो आपको समझ आ ही जाएगा। They told the boy kuch nahi milne wala rap se. They told the boy that he's whack and his tracks shit. That broke the boy almost to the point. Ke boy bhi kehne laga tha fuck this rap shit. Mauka aaya and the boy had to take it. The boy been waiting almost for a decade. Wo flex kare dress while the truth stood naked. I keep it real pata hi nahi how to fake it. Ye lyrics sacred suno ehtiram se. Mode se utar underground aur haath bandh le. Aadha sach pura jhoot hota hai याद रख, तू बंदर है, उर्दू रैप तेरे लिए अदरक, हड्डा या कॉम्प्रो, हम नहीं करते माजरत, I eat rappers and call them लवाजमात, देनी छोड़ दी अब हिंट्स के मैं कौन हूँ, मैं नरान से भी ऊपर मैं जुनेजो का ड्रोन हूँ, do what you do and do it till your last breath, उर्दू रैप GDA 5, I've got a death wish, Franklin, I mean frankly, तू मेरा opposite, respect that, don't fucking disrespect me, they're paranoid, Jesse Pinkman on meth, I feel like I'm 50 and just about to break bad, another diss track, another snake fed, इनको सुला दो, I'm making up their deathbed, सांप को दूध पिलाने वाला सपेरा मैं, पर हिप हॉप का सवेरा मैं, fuck diss tracks, अगला फेंकूंगा कराची मेरा मैं, facts facts facts, कराची मेरा है, सात सुरों से गहरा रॉट तेरे अंदर बार, तुम सारे बंदर और ये हाइप का एक बंदर बाट, ले ले आजा ले ले मेरी हाइप शेयर कर, अभी भी तू चल जाए तो वो होगा एक मिरेकल, ड्रग्स प्रमोट नहीं किए जो किया वो बताया, तूने पूरा झूठ बोला क्योंकि आधा सच छुपाया, तू स्लॉपी जैसे पैसे गिराए भागती हुई कश्ती, माइक्रोफोन चिल्लम और तुम मार एकदम की, सोच का फर्क वाजे है तेरे और मेरे में, तू माजी में फंसा अभी तक, मुझे फिक्र नहीं कल की, लाम से चौड़ा मैला मजनू सही किया कैश, कराची से पिंडी तक शोज प्ले किए हैं, फक बैकग्राउंड चेक मैं शुरू से शेडी, राज फाश कर दूं पर मैं इन बच्चों का भेदी, इनको संजीदा मत लेना ये रैपर फर्जी है, मैंने जो फाड़ा उसका ना मोची है ना दर्जी है, मैं शेडी हूँ सनी नहीं फर्क समझना, इसकी तरह मैंने थोड़े दिनों पहले रैप छोड़ा ना, फेक रिटायरमेंट जैसे तू बड़ा मे वेदर, बार्स में आग नवंबर में भी दे दूं मे वेदर, यही चुतू मुझे कह रहे थे जबरदस्त, मैं पटारी के घर जमाई करने निकला फेमस, अब जो मुझे डिस करेगा लाला वो ही बचेगा, पर ये कहना मुश्किल है कि वो लड़का बचेगा, I let them shots go off अन्नेवा, रगड़े में आते वो लड़के जो बनते हैं फन्ने खां, फैक्ट फैक्ट करके सुना रहे कहानियां, कौन सा पैसा हम दोनों ने लाखों कमा लिया,
तू ही था जो मुझे कह रहा था गली बॉय, मैं चुप रहा सोचा तेरी ये रोटी लगी रहे, तुम लन के नीचे ही हो अभी भी और वहीं रहे। जब था मैंने शुरू किया तुम सीन में नहीं थे, नहीं उठाया ठेका पर मैं हूँ जिम्मेदार, इनमें से कोई चल पड़े तो समझो मुझे जिम्मेदार, ये खुद जिम्मेदार अपने हाल के, ये आते जाते रहते जैसे झांट के हों बाल, ये चैन को टाइम दो वो कर रहा है वीडियो शूट, आई एम डूइंग इट फॉर द कल्चर, ही इज डूइंग इट फॉर द व्यूज, रेसिज्म नहीं वो गाने मेरे क्लासिक्स थे, बट दिस गाय हूज इन कॉलेज वो सुन रहा है मुझे क्लासिक्स से, आई बिकेम व्हाट दे यूज्ड टू ड्रीम ऑफ, अब ये सारे मेरे खिलाफ कर रहे टीम अप, Attention paid you, मेरा नाम ही है clickbait, सुना तेरा diss, सुनाई दी बस mistakes, 36 takes, मेरे 60 बार भी one take, you're dissing मेला मजनू, too little, too late, मैं सिर्फ अपने fans से मुखातिब हूँ, listen up, all my people let me talk to you, तसव्वुर करो, ये diss नहीं बस एक गाना है, मैं इनकी मौत हूँ मैंने बिलाखिराना है, भूल जाओ के मैं young stunner वाला boy, फर्ज कर लो इनकी hype मुझसे ज्यादा है, कल तक जो मुझे कह रहे थे जबरदस्त, उसका खब्बा जबरदस्ती होना चाह रहा है फेमस, अब हुड फेमस मैं स्टार अपनी बस्ती का, खड़ा धूप में मैं स्टार बिना छतरी का, तेरी हट रही है मुझे पता है हट रही है, तू हुआ एक्सपोज जैसे सर पे छत नहीं है, मेरा वक्त नहीं है मेरा ये जमाना ब्रो, बाप कमाई से नहीं बनाया कभी गाना ब्रो, असल जरूरी है तो थोड़ी करके आना ब्रो, जो भी असली खड़े शाना बशाना ब्रो, पहले किए मैंने हैशटैग रैपर तबा, अब करूं हैशटैग पेप्सी रैप बैटल, ये अभी भी सेकंड बेस्ट जैसे नैसडैग, मैं रहूं तेरे से ऊपर कम अज कम एक लेवल, मत बोलो मुझे गली बॉय, पूरा कराची मेरा आई डोंट क्लेम अ गली बॉय, ये सिली बॉयज फिर भी कहते मुझे गली बॉय, हम स्टूडियो में टाइम देते छोड़ चुके गली बॉय, दिल बढ़ा दूं जरूरतमंद को 100 bars, यू नो हाउ आई डू इट तुझे पता है बॉय गोज हार्ड, ये करके दिखा फिर करना उंगली, तू चीने का खब्बा है उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भाई मेरे को समझ में नहीं आया है क्या है पीछे से, बैकग्राउंड वॉइस सुन रही है, सुनाई दे रही है आपको? एक्चुअली ये जो गाना है यंग सिनर्स पे जो अपलोडेड है कि ये जो तला अंजुन ने इसमें जो डिस किया है नेक्स्ट लेवल का एकदम 18 प्लस वाला, तो भाई इसमें मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें किसके बारे में है या फिर किसको डिस किया है मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन जो उन्होंने लिखा है ना तो मैं डिस किसको कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो सारी चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहती। स्टेप टू पॉइंट, बस उन्होंने जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से ये कहा है ना, एक्चुअली उन्होंने स्टार्टिंग में कहा है अगर शायद से सुना होगा कि तुम सब ऐसे वो सब बंदर और तुमको नहीं समझ आएगा ये है अदरक, ऐसे कुछ उसमें वर्डिंग था, तो मुझे काफ़ी ऐसे ना इंटरेस्टिंग सा लगा कि भाई आप कहाँ से ये सारे सोच ये सारी चीज़ें कैसे लिखते कैसे यार, तलांचू आप इतने मस्त हुए में उन्होंने कहा है कि वो सब है बंदर और उनको नहीं समझ में आएगा अदरक, तो भाई मेरे को बहुत हंसी आई, पहले तो वो जो चीज़ है उन्होंने जैसे लाइन बोली है वो सुनकर तो बहुत मुझे हंसी आई, ऊपर से उन्होंने बोला कि हंसी है ना तला अंजुम के ऊपर नहीं आई, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि लोग ना बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ना ऐसे धागे दोरे ऐसे निकलते हैं वो फिर ना मराठी में बोलते हैं उसको धागे दोरे काटने ऐसे बोलते हैं मराठी में, क्योंकि एक चीज़ को ना बहुत ऐसे लंबा खींचते हैं, हाँ तुमने वीडियो में ऐसे ही बोला तुमने वैसे ही बोला, तो भाई मैंने जिस वो बंदे के बारे में नहीं बोला मैं बोल रही हूँ बस, तो ऐसे जो तला अंजुम ने बोला है ना भाई वो मेरे को बहुत ऐसे मस्त लगा उसमें, और उन्होंने एक चीज़ आगे ये भी बोली कि हाँ मैंने तुम्हारे डिस भी सुने, तो वो डिस नहीं है उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स है, तो इस लेवल में उन्होंने कहा है इस पूरे रैप में, और पीछे अगर आप देखे जाए तो इस सॉन्ग में ना एक बैकग्राउंड वॉइस आ रही है थोड़े थोड़े चीज के बारे में, टुनटुना बोल के टुनटुना ऐसे कुछ तो है वो, तो वो जैसे वो डिस कर रहा है ना सामने वाले को, तो वो बहुत हार्ड लेवल का है, वो किसको डिस कर रही है तो आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी इस पूरे इसमें, लेकिन उन्होंने जो डिस किया है ना वो मुझे अच्छा लगा, उस पर्सन को करें ये अच्छा नहीं लगा या लगेगा वो बात अलग है, तो मैंने सिर्फ उन्होंने डिस किस वे में किया वो मुझे अच्छा लगा वो मैं बता रही हूँ। तो गाइस ये जो सॉन्ग था तला अंजुम का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा साउंड कर रहा था और उन्होंने बहुत कुछ उसमें बोला है, तो आप गौर से सुनिए आपको भी बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अभी तक, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।